लोग जमा हुए और इतना स्टेज वो बना। साहब ने वहाँ एयरपोर्ट पे कहा 3 बजे की शमीम अपने को उधर करना है, 70 बजे जरा देखिए जाके, तो ये 2 घंटे का मजमा है इंशाल्लाह। अगर वक्त देते तो 2-4 हजार लोग रहते थे, तो इधर के 1-2 लाख लोगों को राहत मिल सकती है। बहुत बड़ा काम है साहब, सबसे पहले काम आपको आने वाले मुख्यमंत्री बनते ही बराबर 2 से 3 महीने के अंदर साहब उसका उद्घाटन होना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश है, हमारे नांदेड़ वालों की ख्वाहिश है, पूरे महाराष्ट्र की ख्वाहिश है कि अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बने। साहब मुख्यमंत्री बनते बराबर आप पहला काम वो करेंगे, और दूसरी बात यह है कि ऐसी ही उद्घाटन उर्दू घर का बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अगर आप उसको जल्दी अगर कर दे उसके नहीं साहब अपन ही करो, हम भी चाहते हैं कि आपके हाथ से हो इंशाल्लाह, उससे भी जल्दी से जल्दी पूरा करें। और यहाँ पर जो भी काम हुए हैं साहब आपके जाने के बाद रुक गए हैं, जब तक मुख्यमंत्री थे आप मंत्री थे, स्पीड जो पड़ी थी यहाँ के फ्लैट की कीमत 2 लाख के 10 लाख मिल रहे थे, लोग कारोबार बढ़ रहे थे, लोगों के बिल्डिंग बन रहे थे, काम चालू था, मिस्त्री को काम था, गोर गरीब को मजदूरी थी, वो आज सब बंद हो चुकी है। नांदेड़ की मजदूरी लोगों को गोर गरीबों को काम मिलने का काम बंद हो चुका है। साहब आपसे गुजारिश है कि नांदेड़ के तरफ अभी से प्लानिंग करें, जैसा गुप्ता गद्दी के अंदर 2008 में आप गुप्ता गद्दी होने वाली थी, उसके 4 साल पहले से तैयारी थी, आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो आप 1.5 साल पहले से तैयारी कीजिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।